हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ काकरोच। काकरोच के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि काकरोच में ब्लड तो होता है मगर उस ब्लड में हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, तो काकरोच को ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए हेमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से काकरोच ने एक ट्यूब का सिस्टम इवॉल्व किया है जिसके थ्रू काकरोच अपने बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन को डायरेक्ट पहुंचाता है विदाउट एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, काकरोच हैज इवॉल्व्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ इनवेजिनेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉल्ड ट्रेकियल सिस्टम। तो काकरोच के पास एक स्पेशल ट्यूब का सिस्टम है जिसके थ्रू वो अपने हर एक सेल तक डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंचाता है। इस सिस्टम का नाम है ट्रेकियल सिस्टम। एंड डियर स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेकियल सिस्टम। दीज थ्री कंपोनेंट्स आर ट्रेकिया, स्पार्किल्स एंड ट्रेकियोल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये समझे कि जैसे हमारे पास नॉस्ट्रल्स होते हैं, वी इनटेक एयर विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स। सो द स्पार्किल्स आर एनालॉगस टू अवर नॉस्ट्रल्स। तो काकरोच की ये जो डियर स्टूडेंट साइट्स होती हैं, काकरोच की ये जो साइट्स होती हैं, तो साइट्स पे ओपनिंग्स होते हैं इनहेलेशन के लिए, उनको कहते हैं स्पार्किल्स। यहाँ पे आप देखें, मैं सर्किल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको एक ओपनिंग नजर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? स्पार्किल, जो कि साइट्स पे होते हैं। इसके थ्रू काकरोच ऑक्सीजन को इनटेक करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा एक ट्यूब में। इस ट्यूब को कहते हैं ट्रेकिया। तो पहला कंपोनेंट हो गया स्पाइरकिल, दूसरा कंपोनेंट हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया से डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जाएगा छोटे छोटे ट्यूब्स में। इन छोटे छोटे ट्यूब्स को कहते हैं ट्रेकियोल्स। तो जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचा कहाँ पे? ट्रेकियोल्स पे। तो देखिए, ट्रेकियोल्स के जो एंड होते हैं वो फ्लूइड से भरे हुए होते हैं। द एंड्स ऑफ द ट्रेकियोल्स आर फिल्ड विथ फ्लूइड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्लूइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लूइड में डिजॉल्व हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेकियोल्स होते हैं जिनके एंड्स जो हैं वो सेल से कनेक्टेड होते हैं, सपोज दिस इज अ सेल, तो यहाँ से ट्रेकियोल से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा सेल में। तो आपने पैसेज देखा, ऑक्सीजन पहले स्पाइरकल से अंदर आता है, उसके बाद ट्रेकिया में जाता है, उसके बाद ट्रेकियोल्स में, ट्रेकियोल्स के एंड पे फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच जाता है। तो काकरोच के साइड्स पे डियर स्टूडेंट्स ओपनिंग्स होते हैं। इन ओपनिंग को क्या कहा जाता है? स्पार्किल्स। दीज ओपनिंग्स आर नोन एज स्पार्किल्स एंड स्पार्किल्स ओपन इनटू ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया एंड देन ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ट्रेकियोल्स, और ट्रेकियोल्स के बाद ऑक्सीजन पहुंच जाएगा सेल्स तक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेकिया की डेफिनेशन को। व्हाट इज ट्रेकिया? द ट्रेकियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरनल ट्यूब्स कॉल ट्रेकिया कम्युनिकेट्स विद द एक्सटीरियर बाय 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग्स कॉल स्पाइरकल। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पाइरकल्स होते हैं, इन स्पाइरकल के 10 पेयर्स होते हैं और जो ट्रेकिया है वो बाहर की तरफ कम्युनिकेट करते हैं 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स। तो देखें ये स्पाइरकल्स कहाँ पे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट बॉडी। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज हेड। इंसेक्ट का पहला पार्ट हेड होता है एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट नोन एज थोरिक्स। सेकेंड जो बॉडी का पार्ट होता है इंसेक्ट्स में वो थोरिक्स होता है। And this is the third part known as abdomen. So the body of an insect is divided into three parts: head, thorax, and abdomen. Dear students, thorax region पे पहले दो pairs होते हैं spiracles के. So the first two pairs of spiracles are located on thorax. और dear students, ये जो abdomen का region है, the remaining 8 pairs of spiracles are present on abdomen. तो कितने pairs हो गए थोरिक्स पे? दो pairs.
कितने पेयर्स हो गए एब्डोमेन पे? 8 पेयर्स। इसको हम डिस्कस करते हैं। स्पाइरिकल्स लेटरली साइड्स पे होते हैं। ट्रेकिया ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू माइन्यूट पोर्स नोन एज स्पाइरिकल्स। ट्रेकिया बाहर की तरफ खुलता है 10 पेयर से स्पाइरिकल के। वो कहाँ पे होते हैं? देर आर 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, टू ला इन द थोरेसिक सेगमेंट्स। दो पेयर होते हैं सेगमेंट्स थोरेसिक सेगमेंट पे, एंड द रिमेनिंग 8 पेयर आर ला ऑन द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, पहले 8 सेगमेंट पे। तो देखें, ये हो गया इंसेक्ट का हेड रीजन जहाँ पे स्पाइरिकल्स नहीं पाए जाते। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया थोरेक्स रीजन। अब थोरेक्स पे 2 पेयर्स पाए जाते हैं स्पाइरिकल्स से, जिससे वो इनहेलेशन करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सर्किल कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरिकल ऑन थोरेक्स, फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरिकल ऑन थोरेक्स। और डियर स्टूडेंट, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, दिस इज द सेकेंड पेयर ऑफ स्पाइरिकल ऑन थोरेक्स। तो थोरेक्स पे कितने पेयर हो गए? 2, फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया एब्डोमिन का रीजन, ठीक है। तो इसमें एब्डोमिन पे कितने पेयर्स पाए जाते हैं? 8। दिस इज द, यहाँ पे मैं सर्किल कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरिकल ऑन द एब्डोमिन, एंड दिस वन इज द सेकेंड पेयर ऑफ स्पाइरिकल ऑन एब्डोमिन। डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज द थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल ऑन एब्डोमिन, दिस इज द फोर्थ पेयर ऑफ स्पाइरिकल ऑन एब्डोमिन, दिस इज द फिफ्थ पेयर ऑफ स्पाइरिकल ऑन एब्डोमिन, दिस इज द सिक्स्थ पेयर ऑफ स्पाइरिकल ऑन एब्डोमिन, दिस वन इज द सेवेंथ पेयर ऑफ स्पाइरिकल ऑन एब्डोमिन, एंड दिस इज द लास्ट वन, एट्थ पेयर ऑफ स्पाइरिकल ऑन एब्डोमिन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह 2 सेगमेंट्स जो थोरेक्स के होते हैं, फर्स्ट 2 पेयर्स वहाँ पे पाए जाते हैं, और रिमेनिंग 8 जो होते हैं वो एब्डोमिन पे पाए जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रेकियोल्स की बात करें, तो ट्रेकियोल्स स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं। ट्रेकिया रेमीफाई मीन्स डिवाइडेड इंटू ब्रांचेस, स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस थ्रू आउट द बॉडी इंटू फाइन ब्रांचेस और ट्रेकियोल्स। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेकियोल फाइनली एंड एज अ ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड फाइन ब्रांचेस व्हिच आर अटैच्ड विद द सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। अगर हम ट्रेकियोल्स की बात करें, तो जैसे डियर स्टूडेंट्स, पहले ऑक्सीजन आएगा स्पाइरिकल के थ्रू अंदर आएगा ट्रेकिया में, और फिर जब ये ट्रेकिया से छोटे छोटे ट्यूब्स ट्रेकियोल्स में जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके एंड पे फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। तो एंड्स पे क्या भरा हुआ होता है? फ्लूइड, ताकि ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व हो जाए। और वैसे भी आप पढ़ चुके हो कि रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उस पर फ्लूइड होना चाहिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, दीज एंड्स आर कनेक्टेड विथ सेल्स। तो ये सेल्स से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, और जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, डिजॉल्व होगा, तो यहाँ से ये डिफ्यूज हो जाएगा सेल्स में। आप यहाँ पे भी देखें डियर स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन को अपटेक किया जा रहा है थ्रू ओपनिंग्स नोन एज स्पाइरिकल। स्पाइरिकल से ऑक्सीजन अंदर आएगा एक चैम्बर में, यहाँ पे एक चैम्बर है, इस चैम्बर को कहते हैं एट्रियम। तो ऑक्सीजन आ जाएगा एट्रियम में। फिर डियर स्टूडेंट्स, एट्रियम से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? मेन ट्रेकियल ट्रंक में, दिस इज द मेन ट्रेकियल ट्रंक। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मेन ट्रेकियल ट्रंक से ऑक्सीजन जाएगा ट्रेकिया में, दिस इज द ट्रेकिया। और जब ट्रेकिया आगे स्मॉलर स्मॉलर छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको आप कहते हो ट्रेकियोल्स, तो इसकी एंड्स पे फ्लूइड भरा हुआ होगा, जिसको मैं अभी रेड मार्कर से फिलअप कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगा, और फिर यहाँ से टिश्यूज या सेल्स में ऑक्सीजन चला जाएगा। सो दिस इज द पैसेज ऑफ इंस्पिरेशन इन काकरोच। तो ऐसे काकरोच में इंस्पायरेशन होता है। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, तो डियर स्टूडेंट्स, एक इनहेलेशन का फेज होगा, और दूसरा एक्सहेलेशन का फेज होगा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इंक्लूड्स 2 इवेंट्स, दे आर इंस्पायरेशन, इनटेक ऑफ एयर, एंड एक्सपायरेशन, गेट रिड ऑफ एयर।
अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें, टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो देखें इंस्पिरेशन में कौन से जो स्पैरिकल्स हैं वो ओपन होते हैं और कौन से क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द थोरेसिक स्पैरिकल्स आर केप्ट ओपन। अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो पेयर्स होते हैं थोरेक्स के, वो इंस्पिरेशन में ओपन होते हैं। थोरेक्स पे जो दो पेयर्स होते हैं स्पैरिकल्स के, वो ओपन होते हैं। और आगे लिखा हुआ है एंड द एब्डोमिनल स्पैरिकल्स आर क्लोज्ड। तो ये जो आठ पेयर्स होंगे एब्डोमिन पे स्पैरिकल्स के, वो क्लोज्ड होंगे। तो इंस्पिरेशन में थोरेसिक स्पैरिकल्स ओपन, यहां से ऑक्सीजन तो अंदर आएगा, मगर ये क्लोज होंगे तो यहां से ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा। एक्सप्रेशन को डियर स्टूडेंट्स आप रिवर्स कर दो। एक्सपायरेशन, सेंडिंग आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और देखिए इसमें रिवर्स हो जाएगा, ड्यूरिंग एक्सप्रेशन थोरेसिक स्पैरिकल्स आर क्लोज। तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो ये जो दो पेयर्स होते हैं थोरेसिक स्पैरिकल्स के, ये एक्सपायरेशन में डियर स्टूडेंट्स क्लोज्ड होते हैं, मगर ये जो एब्डामिन के स्पैरिकल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। एब्डामिनल स्पैरिकल्स आर केप्ट ओपन। तो ये जो आठ पेयर्स हो जाते हैं स्पैरिकल्स के, कहाँ पे, एब्डामिन में, ये ओपन हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इंस्पिरेशन में थोरेसिक स्पैरिकल्स आर ओपन एंड एब्डामिनल स्पैरिकल्स आर क्लोज्ड। और अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो थोरेसिक स्पैरिकल्स आर क्लोज्ड एंड द एब्डामिनल आर ओपन। अब हम आते हैं कॉकरोच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तरफ। जैसा कि मैंने डियर स्टूडेंट्स पहले ही बताया कि कॉकरोच के पास ब्लड तो होता है, उस ब्लड को हेमोलिफ कहते हैं, मगर उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन नहीं होता। सो वेयर एयर एंटर्स द ट्रेक्योल्स, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस डायरेक्टली इनटू द सेल्स ऑफ द टिश्यूज एट द लेवल ऑफ फ्लूइड फिल्ड ट्रेक्योल। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बाहर एयर में, यहां से ऑक्सीजन जाएगा मेन ट्रेकियल ट्रंक में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन कहां पहुंच गया, मेन ट्रेकियल ट्रंक में। उसके बाद ये ट्रेकिया में जाएगा, दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकिया डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन को लेके जाएगा छोटे छोटे ट्यूब्स में, जिसको आप कहते हो ट्रेकियोल्स। तो देखें एंड में फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये फ्लूइड में डिजॉल्व हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहां से डियर स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन चला जाएगा सेल्स में। तो ऑक्सीजन को डायरेक्ट पहुंचा दिया गया बॉडी सेल्स तक, कैसे, पहले स्पैरिकल से मेन ट्रेकिया, मेन ट्रेकियल ट्रंक, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ट्रेकियोस, और उसके बाद ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने टेक्स्ट बुक की बात करें तो लिखा हुआ है कि रिवर्स रूट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आता, वो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है ब्लड हेमोलिम्फ में, CO2। ये रिवर्स रूट में ट्रेकिया से, डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स रूट से बाहर नहीं आता, वो डायरेक्ट चला जाता है हेमोलिम्फ में, और हेमोलिम्फ से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा क्यूटिकल की थ्रू, देन द CO2 कम्स आउट ऑफ थ्रू क्यूटिकल। मगर आप दूसरे बुक्स पढ़ोगे तो कुछ बुक्स लिखते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट यहाँ से, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सप्रेशन में रिवर्स रूट में स्पैरिकल से बाहर आता है या ट्रेकियोल से बाहर आता है ट्रेकिया, लेकिन बहुत कम। और हमारे बुक में सीधा सीधा लिखा गया है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं होता अपना ट्रेकिया का, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू क्यूटिकल के थ्रू बाहर आएगा। सो अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इंस्टेड ऑफ पासिंग इनटू ट्रेकियल सिस्टम, वो ट्रेकियल सिस्टम में नहीं जाएगा, गोज इनटू द हेमोलिम्फ। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ के चला गया, ब्लड में, जिसका नाम है हेमोलिम्फ। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाया सरफेस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा क्यूटिकल की थ्रू। तो दैट वॉज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन कॉकरोच। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।